तो दोस्तों बिजनेस आइडिया तो मैंने बहुत दिए होंगे आपको, बहुत सारी वीडियोस बनी है, लेकिन आज आपको मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने नोएडा से 10,000 की नौकरी छोड़ के अपने छोटे से गांव से एक व्यापार शुरू किया था। और अगर मैं बात करूं आज की डेट में वो पूरे इंडिया में अपना व्यापार फैला चुके हैं, अपनी एक खुद की कंपनी इस्टेब्लिश की है। किस तरीके से वो व्यापार करें, क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, किस तरीके से उन्होंने कंपनी इस्टेब्लिश की, जॉब छोड़कर आने का क्या कारण था, अब मैं आपको सीधा सा फंडा बताता हूँ। मैं बेसिकली आज आया था दिल्ली से सीधा बदायूं, एक छोटे से गांव में, बहुत ही छोटा से गांव से व्यापार करते हैं, यहीं से पूरी इंडिया में माल सप्लाई करते हैं। अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं, पहले इस बिजनेस की खासियत बता दूं, तीन बातें याद रखना, ना तो इसकी कोई एक्सपायरी डेट है, ना ही इसका कोई सीजन है, 12 महीने चलने वाला, डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी डिमांड है। अगर मैं बात करूं इनके सर्टिफिकेट की, पूरी जेन्युइन तरीके से ये अपनी कंपनी को चला रहे हैं। यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट क्या मिलता है, अगर आप अपना प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं अपने नाम से तो उसमें भी एक वर्क करते हैं, अगर आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर से डीलरशिप लेना चाहते हैं उसमें भी ये वर्क करते हैं, और अगर आप एक छोटे स्केल से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें भी ये वर्क करते हैं। अगर मैं बात करूँ इनके कंपनी के सर्टिफिकेट की, तो देख सकते हैं पूरी जेन्युइन तरीके से पूरी कंपनी चला रहे हैं, ये पहला हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये देख सकते हैं दूसरा हो गया इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो ये देख सकते हैं तीसरा हो गया, ये देख सकते हैं ये तीसरा हो गया पूरा, ये देखिए इस तरीके से। और मैं बात करूं पूरे इनके सारे सर्टिफिकेट हैं जो कि एक जेन्युइन तरीके से पूरी कंपनी चला रहे हैं, ये देख सकते हैं। आप भी बन सकते हैं बिजनेस में, नौकरी कब तक करोगे, अगर आपको अपने शौक पूरे करने हैं तो बिजनेस करना पड़ेगा। और मेरा ना हमेशा उद्देश्य यही होता है कि आपके लिए एक नए नए बिजनेस आइडिया लेके आता रहूँ जिससे कि आप खुद के मालिक बन सके। तो मैं हमेशा कहता हूँ नौकरी छोड़ो, व्यापार करो, व्यापार से खुद के मालिक बनो। व्यापार करने से होता है, सोचने से नहीं। अगर आपने ठान लिया है कि मेरे को व्यापारी बनना है, मेरे को बिजनेसमैन बनना है, तो आप जरूर बनेंगे, बट उसके लिए आपको करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारा काम पसंद आता है, तो आप हमारे काम को अप्रिशिएट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम देते हैं इस चैनल पर बिजनेस से जुड़ी हर एक जानकारी। तो आप ज़्यादा बातें नहीं करते, सचिन भाई को बुलाते हैं, वो आपको अपनी कहानी बताएंगे, उसके बारे में प्रोडक्ट दिखाऊंगा और किस तरीके से इनके साथ में जुड़ के आप भी दिन के 5 से 10 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह है हमारे सचिन भाई। सचिन भाई क्या हाल है? बढ़िया। सबसे पहले हेलो हाय कर दो हमारे व्यूअर्स को। आज बड़े खुश लग रहे हैं क्योंकि अपना खुद की कंपनी बना लिया, जॉब छोड़ कर। जॉब छोड़ने का क्या रीजन था? जॉब में जरूरतें पूरी होती है सर। अच्छा है, हाँ। अपनी शौक कहाँ पूरी कर पाता है? अच्छा, मैं यही कह रहा था, अगर आपको अपने शौक पूरे करने तो बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। वही तो आपने कितने साल पहले शुरू किया था, कितने इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था, और आज की डेट में कितना व्यापार आप पूरे इंडिया में कर रहे हैं? बहुत कम पूंजी में हमने काम किया था। अच्छा। आज की डेट में हम पूरा ऑल इंडिया ओवर में काम कर रहे हैं, सारी जगह माल पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। देखो सबसे पहले खासियत क्या होती है बिजनेस की, बंदे को ना बेचने की कला आनी चाहिए। अगर आपने बेचना सीख लिया ना, खरीदना तो आप सीख ही लोगे, ठीक है। मैंने जो बिजनेस किया ना, बेचने की कला वो आपके अंदर आनी चाहिए, और वो सचिन भाई के अंदर है। इनके अंदर ना बेचने की कला है, कस्टमर को इस तरीके से ट्रेंड करते हैं, इस तरीके से बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो यहाँ से लेकर ही जाता है। तो आपको भी ये सिखाएंगे बिजनेस करना किस तरीके से, आप इनके साथ में जुड़ के बिजनेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं सचिन भाई, यहाँ से कोई अगर आपके साथ में जुड़ के बिजनेस करना चाहता है, लाइक किसी ने 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करा, 20,000 का इन्वेस्टमेंट करा, 25,000 का इन्वेस्टमेंट करा, तो वो बंदा अगर 25,000 रुपये लगाता है तो वो दिन के कितने रुपए कमा सकता है, और मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं प्रोडक्ट की, और डिमांड कहाँ कहाँ पर है इस प्रोडक्ट की? इस प्रोडक्ट की हर जगह डिमांड है। 365 दिन चलता है, कोई सर्दी नहीं, कोई गर्मी नहीं, 12 मास चलने वाला है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी डिमांड आती है। अच्छा। हर घर घर की रिक्वायरमेंट है ये। अच्छा, हाँ जी। तो आपने भी एक छोटे स्केल से शुरू किया था, आपने भी पूरी मार्केटिंग की होगी, पूरी मार्केट में सर्च किया होगा जाके, मतलब टफ दे था वो, लेकिन आज आप एक कुर्सी पे बैठे बैठे बिजनेस कर रहे हो, लाखों लोगों के साथ में जुड़ के व्यापार कर रहे हैं। तो आप बात करते हैं कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो कितने इन्वेस्टमेंट से आपके साथ में जुड़ के बिजनेस कर सकते हैं? आप 20 से 25 हज़ार से शुरू कर सकते हैं। अगर आप जिले की डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे जाते हैं तो ज्यादा हमने इन्वेस्ट नहीं रखा हुआ है। सागर भाई ने बोला कि सभी को चाहे, सभी लोग आए, जुड़े और काम करें, ठीक है। आराम से 50 से 60 हज़ार में इजिली आप डिस्ट्रीब्यूटर पे भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रोडक्ट कि इनकी क्वालिटी मैंने बहुत पहले से इनकी सुनी हुई है कि एक क्वालिटी नंबर वन देते हैं, क्योंकि ये बिलीव करते हैं क्वालिटी में। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है ना, तो आपका कस्टमर रिपीट आएगा और वो 10 कस्टमर को और बताएगा, तो इससे आपका जो बिजनेस है ना वो डेवलप होगा, मतलब मार्केट में आपका फैलता रहेगा। तो इस तरीके से बिजनेस करते हैं। तो इन्होंने ना जो इम्प्रूवमेंट कर रखा है अपनी क्वालिटी को लेकर के, बहुत ही सोचते हैं, तो अपनी क्वालिटी कभी डाउन नहीं करते। देखो अब रेट्स की बात आती है, मार्केट में सस्ते के चक्कर में ना लोग खराब माल खरीद लेते हैं, ठीक है, खराब माल, 1-2 रुपये के लालच में, हाँ बस।
उसके बाद वे कहते हैं कि अरे ये ऐसा निकल गया वैसा निकल गया, मार्केट खराब होगी, तो मार्केट तो खराब होगी, आप गलत जगह जाओगे, आप अच्छी जगह आइए। मैं गारंटी देता हूँ कि चीज आपको ऐसी देते हैं जो कि आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी। मैं सालों से कर रहा हूँ, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो लोग 20 सालों से कर रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। अच्छा बात करें, जैसे हमारे एक पेटी होती है, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट की एक पेटी में हमारे कितने पीस होते हैं? 20 पीस होते हैं। लाइक हमारे पास में जैसे किसी ने उस पर 20 पीस पर जो एक पीस की जो कॉस्टिंग है, ठीक है, एक पीस पर कितना मार्जिन कमा सकता है, कितने रुपए वो सेव कर सकता है अगर 20 पीस है, ठीक है, 20 पीस अगर उसे दिन में बेचे, ठीक है, दिन में बेचे तो एक बॉक्स में इजीली 1000 से 1200 रुपए कमा सकता है, मार्जिन अच्छा है। यानी कि मतलब 4 से 5 पेटी बेचे 5 से 6 हजार रुपए कमा सकता है, और नॉर्मल 4 से 5 पेटी बेचे, हाँ जी, तो आप 4 से 5 पेटी डेली की बेच के 5 से 6 हजार रुपए कमा सकते हैं, ये नॉर्मल चीज है, ठीक है। आपको बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बट करना पड़ेगा मार्केट सर्च करनी पड़ेगी, मार्केट में घूमना पड़ेगा। तो आज मैं सीधा दिल्ली से आया था बदायूं, सचिन भाई से मिला। सचिन भाई की जो कंपनी है वो बनाती है इंजन ऑयल, ठीक है। इंजन ऑयल का बिजनेस आपको पता है कि 12 महीने चलता है, ना तो कोई सीजन होता है। आपको पता आज की डेट में हर घर में गाड़ी है, ठीक है, स्कूटर है, स्कूटी है, बुलेट है, बाइक है, सारे इंजन ऑयल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वेरिएंट की बात करते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से पूरे वेरिएंट मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको ना प्रमोशन के लिए आपको टी शर्ट वगैरह, कैप वगैरह, की रिंग्स वगैरह, टेम्पलेट्स वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अपने ब्रांड में काम करना चाहते हैं उसमें भी ये काम करते हैं। उसका क्या क्राइटेरिया हो जाएगा वो आपको फ़ोन पर बता देंगे, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास में कौन कौन से ग्रेड के इंजन ऑयल मिलते हैं और किस किस क्वालिटी में हम बनाते हैं। हमारे पास जो भी ग्रेड होता है SN SM का, अच्छा, ग्रेड में हम देते हैं 20W40। अच्छा, एक हमारा JSJ ब्रांड है और एक हमारा है बाइक पिकअप। हाँ जी। अच्छा मैं एक बात भूल गया था, जैसे हमारी कंपनी किस नाम से एस्टेब्लिश है, तो आपने कंपनी बनाई है तो किस नाम से हमारी कंपनी? हमारी आइस एंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी है, ब्रांड बाइक पिकअप के नाम से है। हाँ, देखो सारे सर्टिफिकेट आपको दिखाए हैं, बाकायदा रजिस्टर्ड है, ये बैनर पे लगा हुआ है, सारी चीजें ओके है, बहुत अच्छा। अच्छा अभी ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, तो अभी कितने लोग, जैसे हमारे पास में कोई आता है, ठीक है, बाहर से विजिट करने के लिए, पहली बार सैंपल के लिए, लाइक उसने 5 पेटी मंगाई, 4 पेटी मंगाई, तो कस्टमर रिपीट आ रहा है, क्वालिटी किस तरीके की बता रहा है हमारी? हाँ, क्वालिटी हमारी बेस्ट बता रहा है, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं उनके पास रेगुलर माल जा रहा है। अच्छा, हाँ, कोई ऐसा नहीं है एक बार मंगाया दूसरी बार भूल गया, ऐसा नहीं है। हम तो साफ कहते हैं बिक जाए आपका ना बिके तो हमारा, बहुत बढ़िया, इसलिए क्वालिटी अच्छी देते हैं। मतलब हमारा एक स्लोगन है ना, हमारे एक स्लोगन था कि बूंद बूंद में क्वालिटी, कुछ इस तरीके ना, ये हमारा स्लोगन रखे आपके इंजन का ख्याल हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से स्लोगन है, तो क्वालिटी में बिलीव करते हैं। और मैं आपको बात कर रहा हूँ जेन्युइनिटी की, कुछ लोग दिखाते भी नहीं, तो मैं आपको इनका GST नंबर दिखाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख सकते हैं कंपनी के नाम से आपको अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। वो देखिए आपको पूरा वहाँ पे देख सकते हो, पूरा GST नंबर, पूरा INSO सर्टिफाइड है कंपनी पूरा, ठीक है। और इनका जो स्लोगन है मैंने आपको बताया, रखे आपके इंजन का ख्याल हमेशा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डीलरशिप, तो कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा उसमें? सर देखो, और लोगों की तरह हम नहीं काम करते हैं, 2 लाख बोलते हैं, हाँ, एक आम आदमी 2 लाख 3 लाख बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 50-60 हजार की पूंजी में अच्छे से आप पूरे जिले में काम संभालना चाहते हो, हम वो भी दे देते हैं। अच्छा, जिले में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे? जिले में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। बहुत बढ़िया, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। जो भी कोले आते हैं वो भी सारी उन्हीं को देते हैं, अपने आप डील करिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मतलब अगर आप आना चाहते हैं तो बेसिकली हमारी लोकेशन बताइए, हमें किस साइड पर पड़ते हैं, अगर कोई आता है विजिट करने के तो किस तरीके से आएगा? कोई भी आना चाहता है बदायूं से उसैद, उसैद ही हमारा शॉप है, ऑफिस है यहाँ पे, सब कुछ है, और हमारी बस फैक्ट्री भी यहीं पास में है। हाँ, जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपना खुद का, ये सारा कुछ। बहुत बढ़िया, तो आप आ सकते हैं। और अभी जैसे हम बात करें, जैसे अभी हमारा 1 लीटर है, जैसे ये इंजन ऑयल है, ठीक है, अभी हमने बाइक में डाल दिया, ठीक है, तो अभी कितने किलोमीटर रनिंग में है ये? नॉर्मली 3500-3000 की अच्छी रनिंग देता है। अच्छा, इतना नॉर्मली सारे कुछ देते हैं नॉर्मली? अगर आप कहेंगे कि ज्यादा चलाने तो 5000 भी चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मतलब हमारे पास में कौन कौन से वेरिएंट मिल जाते हैं, लाइक किसी को ट्रैक्टर का, बुलेट का, ट्रक का, सभी का मिलता है, सभी का मिलता है, बैरल में चाहिए वो, हाँ, 900 ml से लेके 210 लीटर का बैरल भी हमारे पास। अच्छा, सारे मिलता है, ठीक है। अगर कोई अपनी कंपनी, मतलब कोई अपना ब्रांड बनवाना चाहता है तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, मतलब कितना मिनिमम ऑर्डर हो जाएगा? हाँ, उसका ऑर्डर थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि सारे उन्हीं के ब्रांड से बना के देना होता है, स्टिकर वगैरह बनते हैं, डब्बे वगैरह बनते हैं, तो उसका इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा होता है और ऑर्डर भी थोड़ा बल्क में होना चाहिए, ठीक है। उसका आप आ सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है। और हमारा टाइमिंग क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉलिंग टाइमिंग क्या है हमारा?
हमारा 24 घंटे का रहता है, लो 24 घंटे किसी भी टाइम आप करो। नहीं नहीं हमारे व्यूअर्स ना बहुत वैसे नटखटी है, मतलब वो रात को 3 बजे देखते हैं ना तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर आपको इंजन ऑयल मिलेगा, इस तरीके के कस्टमर। कोई बात नहीं, हमें तो देखो रात दिन जब बिजनेस करना है, बढ़ाना है, तो रात दिन करना होता है। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में ना आपको बधाइयों से दी थी, जो कि बाइक पिकअप के नाम से इनका जो ब्रांड है पूरी कंपनी का बाइक पिकअप लुब्रिकेंट के नाम से, तो आप आ सकते हैं। जीएसटी नंबर आपको मिल जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन में फ्रॉड होगा, तो फ्रॉड नहीं होगा, यहाँ पर जीएसटी नंबर आपको मिल जाएगा, पूरी गारंटी है। हाँ। सागर भाई हमारी कभी हाँ। भी किसी के साथ में लेट हो सकता है, 2-4 दिन माल पहुंचने वो हो जाता है। हाँ। बाकी कभी कि कोई भी ये नहीं कह सकता है कि सचिन भाई ने मेरे 2 रुपए भी रोके हैं, समझो। ये देख सकते हैं आपके लिए प्लस पॉइंट है, तो आप आ सकते हैं। तो आज की वीडियो मैंने आपको दी थी बाइक पिकअप लुब्रिकेंट से, तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बिजनेस करना है तो दिए गए नंबर पर कॉल करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लास्ट टाइम बाय बोल दो, बाय।